इजराइल को मिटा देंगे हमास और ईरान। चार दिन का सीज फायर क्या इजराइल पर भारी पड़ रहा है? दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि चार दिन के सीज फायर में हमास को जबरदस्त हमले करने के लिए फिर से ऑक्सीजन मिल गई है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि रूस के वैगनर ग्रुप के कमांडर और लड़ाके भारी हथियारों के साथ हमास के कमांड सेंटर में पहुंच चुके हैं, जबकि चीन ने इस दौरान हमास की सुरंगों में ऐसे खुफिया नेटवर्क बना दिए हैं जो इजरायली टैंकों और पैदल सेना के लिए काल साबित होंगे। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने हमास को नई तरह की सैकड़ों मिसाइलें, लंबी दूरी के रॉकेट और भारी हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप गाजा पहुंचा दी है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने अरब और मुस्लिम देशों को साफ साफ कह दिया है कि हम सीज फायर की आड़ में इजराइल के खूनी गुनाहों को रत्ती भर माफ नहीं करेंगे और इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे दर्जनों भीषण हमले होंगे। इस वक्त इजराइल के 1.5 लाख सैनिक और 800 टैंक गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में मौजूद हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि इजराइल ने सीज फायर पूरा होने से पहले ही हमास के ऊपर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं ताकि हमास 7 अक्टूबर जैसा हमला इजराइल पर ना कर सके। जबकि दूसरी तरफ हमास, हिजबुल्ला और हूथी मिलकर इजराइल पर हमले कर रहे हैं, जो साफ साफ संकेत हैं कि ना तो हमास हार रहा है और ना ही हिजबुल्ला और हूथी के लड़ाके इजराइल पर हमला करने से हिचक रहे हैं, क्योंकि ईरान इस वक्त गाजा युद्ध का बॉस बन चुका है। यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो इजराइल के वजूद से जुड़ गया है। इजराइल की हार पर नेतन्याहू का कबूलनामा। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गाजा युद्ध को लेकर इजरायली मीडिया में बड़ा लेख लिखा है। नेतन्याहू ने गाजा युद्ध पर लिखा है कि ईरान की शैतानी धुरी बन चुका है हमास। नेतन्याहू ने दुनिया को चेतावनी दी कि अगर हमास ईरान युद्ध जीत गए तो अगला नंबर बाकी देशों का होगा। बेन्यामिन नेतन्याहू ने यह भी लिखा है कि हमास ने 7 अक्टूबर को जिस तरह आतंक मचाया वो हमें दिखाता है कि अच्छा भविष्य तभी संभव है जब सभ्य दुनिया इन जंगलियों के खिलाफ लड़ेगी। नेतन्याहू ने अलर्ट करते हुए ये भी लिखा है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम आराम से अपनी जिंदगी में रहेंगे और बुराई खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाजा में अब तक 15,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना और इजरायली सरकार दोनों ही इस वक्त भयंकर प्रेशर में हैं। एक तरफ हमास का पूरी तरह से खात्मा करने का दबाव इजरायल की 3 लाख की सेना पर है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल की नेतन्याहू सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो अपने हमले बंद करे, जंग को रोके। लेकिन इधर जंग को अंजाम तक पहुंचाने का जुनून इजराइल पर बहुत भारी पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजराइल को धमकी दे दी है कि ईरान गाजा में गिराए गए इजराइल के एक एक बम और लाशों का पूरा हिसाब इजराइल से लेगा और इजराइल को गाजा में खून खराबे की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्या कहा है। ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने एक्स पर एक पोस्ट में इजराइल को गाजा युद्ध पर चेतावनी दी है। अली खामनेई ने लिखा है कि गाजा पट्टी में IDF के हमले पर तगड़ा जवाब जरूर मिलेगा। खामनेई ने लिखा है कि गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी उस करारी हार की भरपाई नहीं कर पाएगी जिस करारी हार का सामना इजराइल को 7 अक्टूबर को करना पड़ा था। ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने दावे के साथ लिखा है कि इजराइल अमेरिका के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं है और कुछ ही दिनों में इजराइल चुप होने को मजबूर हो जाएगा। इजराइल की हार पर नेतन्याहू का कबूलनामा। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इजराइल ने उत्तरी गाजा से 11 लाख लोगों को जबरन दक्षिणी गाजा की तरफ भागने को मजबूर कर दिया है।
जबकि उत्तरी गाजा में मौजूद 35 में से 25 अस्पताल इजरायली हमले में तबाह हो चुके हैं। वहीं 44,000 के करीब उत्तरी गाजा की इमारतों को इजरायल ने मिसाइल और बम धमाकों से उड़ा दिया है, जबकि 2.25 लाख के करीब इमारतें अब रहने लायक नहीं बची हैं। लगभग 10,000 हमास लड़ाके अब तक इजरायली सेना मारने का दावा कर चुकी है, लेकिन जबरदस्त प्रेशर में 4 दिन का सीज फायर इजरायल की 1.5 महीने की मेहनत और जीत पर पानी फेर रही है। इसीलिए इजरायली सेना के टॉप कमांडरों ने कहना शुरू कर दिया है कि सीज फायर के दौरान इजरायली सेना भीषण हमले की जबरदस्त तैयारियां कर रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने साफ साफ कहा कि हम सीज फायर में हमास पर भीषण हमले की तैयारी में जुटे हैं। इजरायल को मिटा देंगे हमास और ईरान। במהלך ימי ההפוגה צה"ל ישלים את ההיערכות ואת המוכנות לשלבי המלחמה הבאים. כוחות צה"ל מוכנים ודרוכים בכל הזירות. המדיניות שלנו ברורה. נפעל כנגד כל איום למדינת ישראל. अब सवाल उठता है कि अगर इजरायल सीज फायर के दौरान भी लगातार तेज हमले कर रहा है तो फिर हमास क्या कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक सीज फायर का फायदा हमास के लादेन के नाम से मशहूर याया सिनवार उठाना चाहता है। इजरायल के एक अखबार के दावे के मुताबिक इजरायल के रक्षा विभाग के अधिकारियों को लगता है कि गाजा में हमास का चीफ याया सिनवार दक्षिणी गाजा पट्टी में मानवीय संकट का फायदा उठाने की कोशिश में है। इस रणनीति के तहत खान यूनुस का लादेन कहा जाने वाला याया सिनवार इजरायली रक्षा बलों पर इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना चाहता है कि आगे अपने अभियान को तेज न कर सके। खान यूनुस ही सिनवार का मुख्य कमांड सेंटर है। माना जा रहा है कि दबाव में इजरायली सेना अपेक्षाकृत सीमित ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकती है, जिससे हमास को कोई खास नुकसान नहीं होगा। इजरायली अफसरों का मानना है कि सिनवार युद्ध विराम के बाद जमीनी अभियानों को फिर से शुरू करने में देरी कराने की योजना बनाने में जोर शोर से जुटा है। आप कुछ पॉइंट्स से समझ लीजिए। हमास का लादेन याया सिनवार उत्तरी गाजा के बजाय दक्षिणी गाजा को बचाने पर अब क्यों जोर दे रहा है। सीज फायर की वजह से खान यूनुस या राफा को निशाना बनाने की बजाय इजरायली सेना नुसेरा अल बुरायज और दीर अल बलाह जैसे इलाकों पर ही सीमित हमले कर पा रही है। इजरायली सेना दक्षिणी गाजा के गैर मानवीय क्षेत्रों में सीमित अभियान चलाने को मजबूर हो रही है। इसका नुकसान आईडीएफ को ये हो रहा है कि हमास इजरायल के भीषण हमलों से बच रहा है और हमास का लादेन याया सिनवार एक बार फिर से दक्षिणी गाजा में हमास की सैन्य ताकत को मजबूत करने में जुटा है। इजरायल को मिटा देंगे हमास और ईरान। इन्हा الاحتلال وحماية الأقصى وتحرير الأسرى نخوض معركة التصدي لعدوان جيش وقطعان مستوطنين على شعبنا ومدننا نخوض معركة كسر الحصار على شعبنا في قطاع غزة الذي امتد 17 عاما أو يزيد نخوض معركة تحقيق الحلم والأمل الفلسطيني। इस वीडियो में दिखाया गया है कि हमास के लड़ाके अचानक तबाह इमारतों से बाहर निकलकर आरपीजी फायर कर रहे हैं या फिर टैंकों पर सीधे रॉकेटों से हमले कर रहे हैं, जबकि जमीन पर इजरायली सेना का एक भी पैदल सैनिक नहीं दिख रहा है। इजरायली सेना पूरी तरह से या टैंक के अंदर है या फिर किसी बख्तर बंद वाहन के अंदर हमास के लड़ाकों से जंग कर रही है। हमास के इस खुफिया युद्ध ने इजरायली सेना के पसीने छुड़ा दिए हैं। 4 दिन के सीज फायर के बाद जब दोबारा से इजरायली सेना गाजा शहर और उत्तरी गाजा के बेहद अंदरूनी हिस्सों पर हमला करेगी तो उस वक्त हमास और ज्यादा घातक हमले इजरायली सेना पर जरूर करेगा। लेकिन इजरायली सेना ये भी दावा कर रही है कि सीज फायर के बाद हमास का खात्मा पूरी तरह से हो जाएगा। אחרי כל מה שצריך לעקוב, אחרי בחירי חמאס בעזה ובכל מקום בעולם. יש למלחמה הזאת מטרות מאוד מאוד ברורות, וצהל נערך לשלבים הבאים במלחמה, על מנת
לפרק את חמאס, לסדר את הגבולות, שיהיו גבולות בטוחים, להמשיך במאמץ העליון, להשבת חטופים, להגיע להרתעה אזורית. वहीं हमास का दावा है कि इजराइल सेना युद्ध विराम को तोड़ रही है और हमास पर हमले कर रही है। हमास के इस दावे में दम नजर आता है क्योंकि इजरायली सेना का दावा है कि पिछले 10 घंटे की भीषण जंग में हमास के दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। आईडीएफ के मुख्य पैदल सेना इकाइयों में से एक है नाहल ब्रिगेड के सैनिकों ने उत्तरी गाजा के पश्चिम में जबालिया पर भीषण हमला किया। जबालिया में आउटपोस्ट 17 पर आईडीएफ ने हमास लड़ाकों को मारकर कब्जा कर दिया है। आईडीएफ फाइटर जेट ने सेंट्रल कैंप ब्रिगेड में हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख इब्राहिम अबू मगसीब को मार डाला। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसराइल के लिए गाजा युद्ध कितना भारी पड़ रहा है। इसीलिए नेतन्याहू को लिखना पड़ा है कि अगर ईरान और हमास जीतते हैं तो फिर इसराइल का विनाश तय है।